Dear students of class 7th, I am explaining your problems of assignment that is given by me. Chapter and exercise दी थी मैंने आप लोगों को प्राथमिक बुक की, उसमें जो आपकी problems हैं वो मैं आपको solve करके बता रही हूँ. और बहुत कम बच्चों ने ही homework submit किया है, ये मैं explain कर रही हूँ. जो आपकी problems हैं, common problems होती हैं आपको सब बच्चों की, स्टिल प्रॉब्लम आए तो नो प्रॉब्लम, बट सबमिट जरूर करना है. सब बच्चों ने होमवर्क जरूर सबमिट करना है, ठीक है, चाहे ठीक हो चाहे गलत हो, उसको ट्राई जरूर करना है. आपका सेक्शन ए में है फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए. सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है आप लोगों का. इसमें आपको सिर्फ ये बताना है, ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन गिवन बिलो बाय यूजिंग बोर्ड मास रूल, ठीक है. और इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि एमसीक्यू है विच वन इज करेक्ट, कि पहले किस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है. अब अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं सॉल्व करके भी दिखा सकती हूँ, बट इसमें सिर्फ आप लोगों से ये पूछा गया है विच पार्ट इज टू बी सॉल्व फर्स्ट. सबसे पहले पहले जो है हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे जिसके ऊपर बार होता है, ठीक है. बार वाला पार्ट जो होता है वो सबसे पहले हमारा सोल्व होता है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल, ठीक. बार वाला पार्ट सोल्व करने के बाद फिर हम ब्रैकेट्स, छोटी वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं ये सोल्व करते हैं. जब ये दोनों ब्रैकेट मेरी सोल्व हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा नंबर जो बाहर आएगा तो ये सारा पार्ट मेरा इकट्ठा सोल्व हो जाएगा. फिर माइनस, फिर ये इसमें ये ब्रैकेट सॉल्व हो, पहले तो ये बाहर सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ये अंदर वाला सॉल्व हो जाएगा, तो ये जो इसका जो नंबर आएगा वो भी बाहर आ जाएगा. तीन स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा, बट यू हैव टू आस्क ओनली विच पार्ट इज सिंप्लीफाइड फर्स्ट, द आंसर इज जी, ठीक है. बाहर वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व होता है. उसके बाद आप लोगों ने पूछ रखा है फर्स्ट का एट पार्ट, सेक्शन ए का ही फर्स्ट का एट पार्ट. इसमें ये आपको सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस जेड. इसमें आपको x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू -1 दे रखी है और z की वैल्यू -2 दे रखी है. तो -1 प्लस -1 एंड -2 गिव्स अस -3, बोथ आर नेगेटिव, एड अप कॉमन साइन नेगेटिव, और ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक. तो ये -3 मेरा बाहर आया, 2 3 6 प्लस माइनस द माइनस, आंसर इज -6. इट मीन्स एट का, एट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए पार्ट है और फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका डी पार्ट है, मतलब आप पहले ये बार वाला पार्ट सॉल्व करोगे. तो ये फर्स्ट सेक्शन ए मैंने आपको बता दिया. सेक्शन ए बताने के बाद सेक्शन ए का ही नीचे है ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स में जिसको सेकंड पार्ट कंसीडर किया हुआ है, इसमें आप लोगों ने पूछ रखा है फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, ठीक है. सेक्शन ए में ही नीचे ट्रू फॉल्स दे रखे हैं सेकंड पार्ट में. तो फोर्थ क्वेश्चन में मेरा क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन होल्ड्स गुड इन इंटीजर्स. देखो अगर आप लोगों ने ना, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था ना तो आप लोगों को बोला था कि इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से सुनना पढ़ना, लेकिन आप लोग क्या करते हो, एक्सरसाइज कराने पे जोर लगाते हो. जब एक्सरसाइज करने पे जोर लगाओगे तो यही होगा, आधी चीजें समझ आएंगी आधी नहीं आएंगी, ठीक है. अगर आपने उन प्रॉपर्टीज को जो स्टार्टिंग में बताई गई थी अगर उनको ध्यान से सुनते ना तो इनमें से एक भी प्रॉब्लम ना आती. अब उनको प्लीज दोबारा से पढ़ना, मैं बता रही हूं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. एक होती है ओवर एडिशन और एक होती है ओवर सब्ट्रैक्शन. ये मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराई है, ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन. ओवर डिवीजन वाली प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है, ठीक है. ओवर डिवीजन वाली प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है. आप लोगों का ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस
टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय सी। इसमें नेगेटिव आएगा तो यह नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ये ट्रू है, डिवीजन में ये रॉन्ग है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन की बजाय इसमें दे रखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन। अब डिवीजन ओवर एडिशन का मतलब क्या है, ये ट्रू नहीं है। ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी ये हमारी ट्रू नहीं है। आप कोई भी तीन रैशनल नंबर लेकर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सॉल्व करके देखना, आपका फॉल्स आएगा। और मैंने इवन आपको करके भी दिखाया था, बट आप लोग क्या करते हो, प्रॉपर्टीज की तरफ ध्यान ही नहीं है, बस सिर्फ एक्सरसाइज करने पर जोर लगा दे, मैडम मेरी ये हो गई, मैडम मेरी वो हो गई, तो ये फॉल्स है आपका। ठीक है, फिफ्थ में आपसे पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज कॉम्यूटेटिव अंडर डिविजन। सारी प्रॉपर्टीज बताई थी आपको एक एक मैंने और करके भी दिखाई थी। आपका है इंटीजर्स में क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिविजन ट्रू है, द आंसर इज फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है, सपोज सेवन है, सेवन डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, जीरो। ठीक है, सेवन इज अ रैशनल नंबर, आप सेवन बाय फाइव ले लो तो भी यही है, सॉरी सेवन डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। और यही एग्जांपल मैंने पहले दिया हुआ है आप लोगों को, चेक करना नोट्स में जो पहले मैंने आपको दिए हैं। और जीरो डिवाइडेड बाय सेवन बाय फाइव इज जीरो, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स है, बोथ आर डिफरेंट। अगर एक के केस में भी, एक नंबर के दो नंबर के केस में भी वो चीज गलत बैठती है, इट मीन्स उसको हम फॉल्स ही कंसिडर करेंगे, ट्रू कंसिडर नहीं करेंगे, तो जीरो के केस में ही गलत बैठती है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, मीन्स क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। अगर मेरा सेवन एक रैशनल नंबर है और सॉरी सेवन एक मेरा इंटीजर है और फाइव भी मेरा इंटीजर है, या माइनस में ले लो, एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, तो माइनस 35 क्या एक इंटीजर है, यस इट इज एन इंटीजर, तो ये इंटीजर है, तो क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है। आइए बात समझ, तो फोर्थ इज फॉल्स, फिफ्थ इज फॉल्स एंड सिक्स्थ इज ट्रू। आप कोई भी दो इंटीजर ले लोगे, उनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो भी एक इंटीजर है, तो इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब मैंने जो बोला है, सारे आप लोग जितने भी मेरे वो है, मैंने लेक्चर दिए हैं, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बार बार वन बाय वन करके बताई है, वो सारी आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट जो आपने मेरे से पूछा है, उसमें पूछा है आपने, इसी में ही सेक्शन ए में थर्ड क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपने मेरे से फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में है इतना सिंपल क्वेश्चन, सेवन किलोमीटर साउथ इज इंडिकेटेड इंटीजर एस, ईस्ट पॉजिटिव, वेस्ट नेगेटिव, नॉर्थ पॉजिटिव एंड साउथ नेगेटिव। ये पहले शुरुआत में बताते हैं आप लोग, जब हम स्टार्ट करते हैं ना इंटीजर चैप्टर सिक्स क्लास में आप लोगों को, तब बताते हैं। तो आपका साउथ वाली साइड क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, आंसर इज माइनस सेवन किलोमीटर, इट इज इंडिकेटेड एज ए माइनस सेवन। नेक्स्ट आपने मेरे से पूछा है फोर्थ पार्ट, इसी ही फिलिंग द ब्लैंक्स का फोर्थ पार्ट, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन इंटीजर। अभी प्रॉपर्टी लिख के दिखाई थी अभी आपको मैंने कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन इज ट्रू, तो इसमें आंसर क्या आएगा फोर्थ के पार्ट में, ओवर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, या एडिशन पहले लिख दो सब्ट्रैक्शन बाद में लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फोर्थ का आंसर है। फिर आपने पूछा फिफ्थ, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर डैश इन इंटीजर। क्लोजर प्रॉपर्टी किसमें ट्रू नहीं है, इंटीजर्स के केस में, डिवीजन में ट्रू नहीं है। ये भी अभी वैसे दो मिनट पहले ही बताया है कि माइनस सेवन डिवाइडेड बाय जीरो ये नॉट डिफाइंड होता है,
मतलब हमारा कोई दो इंटीजर्स, -7 भी एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन इनका डिवीजन एक इंटीजर नहीं है क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिवीजन इन इंटीजर्स. तो इसका आंसर क्या आएगा? डिवीजन. कौन सा पार्ट है ये? फिलिंग द ब्लैंक्स का 5th पार्ट है, फिलिंग द ब्लैंक्स में. आ रही है बात समझ? उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट, आपने पूछी हुई है मैचिंग. मैचिंग में, मैचिंग जो है वो सेक्शन ए का 4th पार्ट है, उसमें आपने 2nd क्वेश्चन पूछा हुआ है. सेक्शन ए 4th क्वेश्चन, उसका 2nd पार्ट. ठीक है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है. सम ऑफ टू इंटीजर इज -666, वन ऑफ देम इज 123, फाइंड द अदर इंटीजर. दूसरा इंटीजर जब सम में से हम एक इंटीजर माइनस कर देते हैं तो दूसरा इंटीजर आ जाता है. सम माइनस फर्स्ट इंटीजर गिव्स अस सेकंड इंटीजर. अब -123, क्योंकि 123 पॉजिटिव का नंबर है, माइनस प्लस द माइनस दोनों नेगेटिव, क्या आप ऐड कर दो, ये आ गया -7, -789. तो आपका ए जो होगा वो आर से ज्वाइन हो जाएगा, ए इज ज्वाइन टू आर. बी में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -16. दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है -160, उनमें से एक दे रखा है 20, तो दूसरा चाहिए. जब प्रोडक्ट को एक नंबर से डिवाइड करोगे तो दूसरा इंटीजर आएगा. ठीक है, प्रोडक्ट में डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट मतलब दोनों की मल्टीप्लीकेशन, -160 एंड 1 इंटीजर इज गिवन. तो आपको सेकेंड इंटीजर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को एक नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 8 16, तो ये आ गया -8. अब देखो -8 कहां पर है, तो बी इज ज्वाइन टू एस. ठीक है, उसके बाद सी पार्ट, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इवन नंबर एंड सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20. आप 10 और 20 देखो, 10 टू 20 में कौन कौन से आपके नंबर आ जाते हैं? पहले बिटवीन में, बिटवीन बोला है तो ना 10 लेना ना 20 लेना, इसके बीच के लेना. इवन लिखो पहले 12, फिर 14, 16, 18, बस. उसके बाद ओड में देखो 11, 15, 17 एंड 19. इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा उसको उससे मैच कर देना, इन सबको भी ऐड कर देना और इन सबको भी ऐड कर देना, और फिर इन दोनों को क्या कर देना, डिफरेंस निकालने के लिए बोला, सब्ट्रैक्ट कर देना और फिर मैच कर देना, जिससे होगा वो आपका आएगा आंसर. जैसे जहां तक है 15 आएगा. ठीक है, तो इट मीन सी इज कनेक्टेड टू, सी इज मैरिड टू पी. उसके बाद लास्ट पार्ट डी जो है, सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ मैचिंग में ही सेकेंड का जो डी है, सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ The sum of these two numbers from the sum of ठीक है, इन दोनों के सम को, इन दोनों के सम में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. जो फ्रॉम वाली चीज होती है उसको आगे रखते हैं, तो फ्रॉम द सम ऑफ दिस है, तो इसका जो एडिशन है उसको आगे रख के इसको पीछे रख के सब्ट्रैक्ट करना. पहले सम निकालो, 1250 1138, आपका आ गया 112 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बिगर टर्म नेगेटिव किया है. प्लस माइनस ना, माइनस करो सब्ट्रैक्ट, 1272 -1136 या आ गया 136. बिगर टर्म नेगेटिव किया इसलिए नेगेटिव का साइन. अब इन दोनों के सम को इन दोनों के सम में से माइनस करना था, जो फ्रॉम वाला पार्ट होता है वो आगे आता है. तो -136 माइनस सब्ट्रैक्ट
और किसको माइनस करना है मैंने, माइनस 112 को माइनस करना है, दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस करो सब्ट्रैक्ट 4 और ये आ गया आपका 24 विद नेगेटिव साइन माइनस 24, तो इसका मतलब D इज मैच टू Q, ठीक है, ये अब आपकी मैचिंग भी कंप्लीट हो गई। ओके उसके बाद देखो आप लोगों ने ये बीच में किया होगा मैंने ऊपर सम, इसमें आपका मेंटल मैथ में इवेल्युएट है, इवेल्युएट आप लोगों ने कुछ बच्चों ने सॉल्व कर रखा है लेकिन कुछ का गलत है, तो वो मैं बता रही हूँ, एक पार्ट बता रही हूँ दूसरा मैं आप अगेन कर लेना। तो मेंटल मैथमेटिक्स में, मेंटल मैथमेटिक्स में सेकंड का फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, ये आपको दे रखा है इसे इवेल्युएट करना है, पहले आप नेगेटिव के नंबर अरेंज कर लो, -8 -24 -26 -28 -18 -8, अब प्लस के अरेंज कर लो +31 +7 +19 एंड +33, नेगेटिव के सब नंबर को ऐड कर दो, ठीक है, और पॉजिटिव के भी सब नंबर को ऐड कर दो, ठीक है, जब सारे नेगेटिव के नंबर को ऐड करोगे कॉमन साइन नेगेटिव का, जब पॉजिटिव के सारे नंबर ऐड करोगे कॉमन साइन पॉजिटिव का, अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, जब भी आपका एक नेगेटिव इंटीजर होता है एक पॉजिटिव इंटीजर होता है आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, और बिगर टर्म नेगेटिव किया -112 इसे मैंने कॉमन साइन मतलब सॉरी बिगर टर्म का साइन नेगेटिव का लगा दिया, तो बिगर टर्म का साइन नेगेटिव का है सो आंसर इज -22, तो इसमें आप लोगों की मिस्टेक थी। उसके अलावा अब आपने पूछा हुआ है सेक्शन बी में, सेक्शन बी में एट का सेकेंड पार्ट, सेक्शन बी एट सेकेंड पार्ट, एट सेकेंड पार्ट में क्या है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करना है आपको -218 फ्रॉम जीरो, आपने -218 को जीरो में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम वाला पार्ट हमेशा आगे आता है तो जीरो, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है -218 को, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, अब किसी भी नंबर को जीरो में ऐड करोगे आंसर वही नंबर होता है, आंसर इज 218, क्लियर। उसके बाद आपने लिखा है नाइन्थ में कुछ भी समझ नहीं आया है, इसी सेक्शन ए का ही नाइन्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं एक पार्ट बता रही हूँ बाकी आप लोगों ने खुद ही कर लेनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, -135 × 5 = -675, अब इसमें आपको दो डिवीजन फैक्ट बताने हैं, डिवीजन फैक्ट क्या है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि -675 को अगर मैं -135 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर 5 बचेगा, डिवाइड करके देख लेना माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अगर मैं -675 को -675 को 5 से डिवाइड करूंगी तो माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इज माइनस, और डिवाइड करके देखना यही बचेगा 135, इसको बोलते हैं डिवीजन फैक्ट्स, क्लियर, बाकी सारे पार्ट भी इसी को फॉलो करेंगे। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन रह गया, आप लोगों ने पूछा मेंटल मैथमेटिक्स में फिफ्थ क्वेश्चन, मेंटल मैथमेटिक्स में फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है 5 + -5 + 5 + -5 एंड सो ऑन, ठीक है, अब इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरी 10 है तो क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स मेरी 11 है तो मेरा क्या आंसर आएगा, देखो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो दो दो का पेयर बनाते चलो, ऐसे 10 टर्म्स है तो 10 टर्म है तो टोटल 5 पेयर बनेंगे, क्योंकि दो नंबर का एक पेयर बन रहा है ना, पेयर का मतलब जोड़ा होता है ना,
और 5 प्लस माइनस ना माइनस, अब 5 माइनस 5 मुझे क्या दे देगा, ये 0, ये भी मुझे देगा 0, आगे जो दो दो के पेयर बनेंगे वो भी मुझे क्या देंगे 0, ऐसे चलता जाएगा। ये एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ऐसे 5 पेयर बनेंगे आपके, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। और अगर मेरे 11 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अब मेरी अगर 11 नंबर ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है आंसर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि पेयर बनते चले जाएंगे, हर बार 0 0 0 0 आता रहेगा। लेकिन अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो क्या होगा, सपोज मेरी ये ओड नंबर ऑफ टर्म्स यही मैंने खत्म कर दी, ये मुझे 0 देगा, ये मुझे 0 देगा, लेकिन मेरा 5 बच जाएगा, ठीक है। तो 11 नंबर ऑफ टर्म्स में भी 5 तो पेयर बन गए, लेकिन फिर भी 5 लेफ्ट रह जाएगा, तो आंसर 5 आ जाएगा। आया समझ, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगी तो पेयर बना के हर पेयर में 0 0 0 0 आता रहेगा, 0 ऐड होता रहेगा, आंसर टोटल आंसर 0 ही बन जाएगा। लेकिन ओड नंबर के पेयर में हमेशा जो पहला नंबर 5 है वो बच जाएगा, क्योंकि एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना, तीसरा बना, 5 पेयर बनेंगे। और 11 नंबर ऑफ टर्म्स है तो 5 जो 5 पेयर बनने के बाद 10 टर्म्स तो यूज हो गई, लेकिन 11th डिजिट जो होगा वो अनपेयर्ड रह जाएगा, उसके साथ माइनस 5 नहीं लग पाएगा, दैट्स व्हाई द आंसर इज 5, बाकी तो सब 0 दे देंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, तो 1 2 5 पेयर से, तो 5 पेयर से तो 5 0 आ गए, लेकिन 5 तो रह गया, तो आंसर 5 बन जाएगा। अब मैंने आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स बता दी हैं, ठीक है, स्टिल प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, फिर दोबारा बता दी जाएगी, बट सबने असाइनमेंट सबमिट कर देनी है टुमारो पॉजिटिवली। थैंक यू।